हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज का जो कॉन्सेप्ट है, वीडियो का टाइटल थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस को मैं यूज करूंगा, सभी का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एंड यार, क्या हो रहा है कि अभी एक दो दिन से यार आप सभी ने मेरे को मतलब पोस्ट सेंड करी, उसकी कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मतलब कि अच्छी बात है आपने मेरे को पोस्ट सेंड करी, मेरे को खुशी भी हुई कि यार चलो मैं आप सभी के लिए मैं कुछ काम करूंगा। तो यार क्या हो गया ना कि मतलब यार पोस्ट तो मतलब कि कुछ ज़्यादा ही आ गई है मेरे पास, बट यार क्या है कि ट्यूटोरियल लाने में मतलब टाइम लगेगा, या पोस्ट ज़्यादा था ट्यूटोरियल चलाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यार मतलब कि मैं आप सभी के लिए ना बहुत फास्ट काम करता हूँ यार, आप सभी को बहुत जल्दी जल्दी ट्यूटोरियल लाकर दे देता हूँ, बट यार आप सभी ने यार थोड़ा पेशेंस नहीं रखते हो। आप सोचते हो कि यार आप जो मैंने भेज दिया मैं ही आपको मतलब मैं उसी का ट्यूटोरियल बना के दे दूँ, बट यार आप ये भी तो देखो, आपसे पहले मेरे को काफ़ी लोगों ने पोस्ट सेंड कर दी है, मेरे को उनके भी ट्यूटोरियल लाकर देना है। तो यार थोड़ा समझिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको सबके ट्यूटोरियल मिलेंगे, जितने भी आप पोस्ट सेंड करते हो सबके ट्यूटोरियल लाकर दूंगा मैं आप सभी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आप वीडियो को मतलब कि शेयर करते करो यार, मतलब कि यार आप सभी के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यार, आप उसको एक शेयर नहीं कर सकते, आपके लिए एक शेयर करने में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे को वीडियो बनाने में ज़्यादा एक घंटा लगता है, बट यार आप सभी को एक शेयर करने में एक सेकंड भी नहीं लगे, तो यार बस एक शेयर कर दीजिए, है ना। एंड बाकी बस इतना ही बोलना चाहूँगा, वीडियो को अब तक लाइक एक बार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड यार अभी तक आप सभी ने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है तो फॉलो कर लेना। एंड यार वीडियो को बिल्कुल कंप्लीट देखना, तभी आप सभी को वीडियो को समझ आएगा, वरना यार इधर उधर हो जाएगा तो यार समझ नहीं आएगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना, एंड चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को करना है कि आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप सभी इसको डाउनलोड कर लेना। एंड क्या, इसके बाद आप सबको जाना ऐड फोटो में, एंड आप सबको यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो मॉडल को जो है गाइस, मैंने इसका कटआउट पहले से कर रखा है, एंड जिसको कटआउट करना नहीं आता वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप उसको चेकआउट जरूर करना है। मैंने अभी इस पर रिसेंटली वीडियो बनाई थी तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, तो उसको जरूर देख लेना। बाकी चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, फोटो को लगाने के बाद आप सबको फिर जाना ऐड फोटो में, एंड आप सबको गाइस ये वाला पीएनजी मिल जाएगा, तो उस पीएनजी को आप सबको ज़्यादा कुछ करना नहीं, फुल स्क्रीन कर देना, कुछ ये ऑटोमेटिकली ऐसे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ऐड करने के बाद आप सबको डन कर देना। एंड उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, आप सबको यहाँ से जाना ब्यूटी वाले ऑप्शन में, सॉरी गाइस टूल्स में नहीं जाना, आप सबको जाना ब्यूटी वाले ऑप्शन में। एंड उसके बाद गाइस आप सबको इस वाले ऑप्शन में जाना है, ठीक है। एंड इस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप सबको फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आप सबको कुछ इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है गाइस। तो जहाँ जहाँ पर आपका पिंपल वगैरह हो वहाँ पर पेंट कर लेना, बाकी इसमें तो है नहीं कहीं, ठीक है। तो थोड़े बहुत जो छोटे मोटे दिख रहे हैं मेरे को उनको मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, तो गाइस और फेस स्मूथ के ऊपर गाइस मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको भी आप चेकआउट जरूर करना, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको जाना ब्यूटी वाला ऑप्शन में दोबारा, यहाँ पर स्मूथ वाला ऑप्शन में जाना है। एंड फोटो का इसका जो साइज है थोड़ा मतलब अमाउंट है जो कम कर लेना है। उसके बाद आपसे कुछ इस टाइप से जहाँ जहाँ पर आपको फेस को स्मूथ करना है वहाँ पर आपसे पेंट कर देना कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहाँ से अपन जैसे जैसे कर लेते हैं फटाफट। एंड गाइस उसके बाद आप सबको फिर क्या करना है, यहाँ से देखिए गाइस हमारा फेस जो यहाँ पे स्मूथ हो चुका था, तो हम यहाँ पे कर देंगे डन। एंड गाइस उसके बाद आप सबको अगेन जाना टूल्स में, तो टूल्स में जाने को जाना है एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आप सबको जो ब्राइटनेस ऊपर की तरफ बढ़ा देना है, रिजल्ट टूल में जाना है, इसको इन्वर्ट कर देना, ब्रश को लेना, साइज छोटा कर देना है, फोटो को जूम करना कुछ इस टाइप से। एंड जो है गाइस आप सबको कुछ इस टाइप से इसके ऊपर ऐसे डोजन बन करना, ठीक है, फेस के ऊपर, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से आप सबको डोजन बन कर लेना, ठीक है। तो और गाइस डोजन बन के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो भी चेकआउट कर लेना, आपको उससे भी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, तो वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझा रखा है, ठीक है। तो उसके बाद आप सबको यहाँ से डोजन बन करने के बाद आप सबको फिर क्या करना है, इसका जो अमाउंट है कुछ अराउंड आप सभी को रख देना है यहाँ पे 4 या 6 तक, ठीक है। इतना कर देने के बाद आप सबको डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको भी को सिंपली यहाँ पे एक बार मतलब कि दोबारा से टूल्स में चलना है, ठीक है। उसका जाना एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, एंड रिजल्ट टूल में जाना है, इन्वर्ट कर देना है, ब्रश के साइज को थोड़ा छोटा कर देना है। एंड उसके बाद आप सबको पूरी बॉडी का ऊपर डोजन बन करना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि गाइस आप सबको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ कुछ इस टाइप से कर देना है, ठीक है। अच्छे से जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमें डोजन बन की जरूरत है तो वहाँ पर जरूर करना, ठीक है। जैसे कि आप मैं टी शर्ट वगैरह पे कर देता हूँ। एंड उसके बाद हम इसका जो अमाउंट है यहाँ पे बढ़ा के रख लेंगे, ठीक है, अराउंड 20 तक, फिर इसको डन कर देंगे। एंड ऐसे आप फोटो को हम सिंपली सेव कर लेंगे, एंड इसको ओपन कर लेंगे हम लाइट रूम ऐप के अंदर। तो गाइस लाइट रूम ऐप में हमारी फोटो ओपन है, तो आप सभी को जाना है लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देना है, एंड एक्सपोजर थोड़ा बढ़ा देंगे, एंड उसका जो इसका हाईलाइट है इसको आगे बढ़ा देंगे, एंड जो शेडो है इसको भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे, एंड उसका जो वाइट है इसको हम थोड़ा कम कर देंगे, एंड ब्लैक है जो इसको हम थोड़ा माइनस कर देंगे। उसका जाएंगे कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद चाहो तो टेम्परेचर कम कर लेना, बाकी इसके बाद जाना मिक्स में, ऑरेंज कलर को सैचुरेशन माइनस कर देना, येलो कलर को लेना इसके सैचुरेशन को प्लस कर देना, एंड ग्रीन कलर लेना इसके ह्यू थोड़ा माइनस कर देना, एंड सैचुरेशन प्लस कर देना। एंड जाना ब्लू कलर में इसके डार्क इसको सैचुरेशन को माइनस कर देना। उसके बाद जाना नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी आप सभी उसको बढ़ा देना, और जो विग्नेट है वो डाल देना हल्का सा। एंड उसके बाद ग्रीन अमाउंट को बढ़ा देना, एंड उसके बाद इसके वाले टूल में जाना, एंड इसके बाद शार्पनेस को बढ़ा देना, नोज डिटेक्शन को बढ़ा देना, एंड जो कलर नोज डिटेक्शन आप सभी को उसको बढ़ा देना है। तो बस फाइनली जो हमारी फोटो का रिजल्ट आया वो आप सभी के सामने है। तो बस इसमें हम यार एक काम हो रह गया है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम कलर्स वाले ऑप्शन में, ठीक है। इस यहाँ से कलर्स वाले ऑप्शन में चलते हैं। एंड उसके बाद आपको 3 पॉइंट्स वाले ऑप्शन में जाना है, एंड जो उसका शेडो आप सभी को येलो टोन में ले जाना है,
एंड उसके बाद सेकंड वाले में ले जाना हाई मिड टोन में, इसको भी ले जाना येलो टोन में, एंड जाना आप जो हाईलाइट में इसको भी ले जाना येलो टोन में। ठीक है, तो फाइनली जो फोटो का रिजल्ट है वो आप सभी के सामने है। तो कैसे आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।